हाय गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हमने बहुत सारे साउंड बार मंगाए हैं आप लोग के लिए, जिससे मैं आपको बेस्ट चीज रिकमेंड कर सकूं। हमने 5,000 से 7,000 रुपए के बीच में जितने भी अच्छे साउंड बार थे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, हमने सारे ऑर्डर करे हैं। तो आज हमने इनको टेस्ट कर लिया और मैं आपको बताऊंगा कौन सा वर्स्ट है, कौन सा बेस्ट है। आई होप इस दिवाली आप अपने लिए अच्छी चीज खरीद सको। स्टार्ट करने से पहले हैप्पी दिवाली मैं आप सबको बोलना चाहूंगा। मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस, सारे के सारे साउंड बार्स की टेस्टिंग हो चुकी है और आज की जो रैंकिंग हमने क्रिएट करी है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी अच्छा साउंड करेगा वो जो है बेटर रैंकिंग के साथ आएगा। अब यहां पर जो है जितने भी आप मैं साउंड बार दिखाने वाला हूं ना, सबके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है और रीब्रांडिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब साउंड बार है जो एकदम सेम है फीचर्स में भी, उनका रिमोट तक सेम है, करेंगे बात इस बारे में भी। तो नंबर 7 पे ये है, हमारे पास डिफेक्टिव आया है ब्लोपंक की तरफ से स्पीकर। इसका मॉडल नंबर है SBW 200 और हमने इसको 6,000 रुपए का खरीदा है। और शॉकिंग बात ये है कि इसके अंदर बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल इशू है। इसी सेम कंपनी का ब्लोपंक का ही मैंने अपने टीममेट को एक बार गिफ्ट करा था साउंड बार, तब भी जो है मेरे पास बिल्कुल डिफेक्टिव आया था। कहीं ना तो कहीं स्क्रैच होते हैं, डेंट होता है और मेरे वाले साउंड बार के अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि साउंड बार की पूरी ग्रिल ही निकल गई है, इनफैक्ट सब बूफर के ऊपर मल्टीपल स्क्रैचेस भी देखने को मिले। ऐसे अगर मैं साउंड की बात करूं तो टोटल जो है 160 वॉट का ये आउटपुट दे सकता है। मैंने इसको टेस्ट किया, जब मैंने इसको कंपेयर किया ना बाकी साउंड बार से, तो मुझे फील हुआ कि ये बहुत बैलेंस है, अच्छी चीज है, लेकिन बेस जो है ना बहुत ज्यादा कम है। इस चक्कर में इतनी इसके अंदर फील नहीं होती पावर, बट स्टिल मेन प्रॉब्लम यार क्वालिटी कंट्रोल इशू की है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये ऑर्डर करो और उसके बाद आपके पास भी टूटा हुआ है और फिर आप लोग एक्सचेंज कराओ, तो उसमें सच में बड़ी परेशानी होती है और ये तो मेरे साथ मल्टीपल टाइम्स हो गया है। तो ब्लोपंक आप इग्नोर कर सकते हो। अब नंबर 6 की बात करते हैं गाइस, ये क्रिएटिव ब्रांड की तरफ से है और इसके ऊपर भी मेरे ने यहां पर स्क्रैच लगा हुआ है और इसका नाम क्रिएटिव स्टेज है और मैंने इसको 6,000 रुपए का खरीदा है। मैं ढंग से बताता हूं कि नंबर 6 रैंकिंग पे क्यों है। मैंने इससे पहले वाला जो साउंड बार दिखाया था नंबर 7 वाला, उसमें ना बेस लैकिंग था। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बेस तो है लेकिन क्लैरिटी कंप्लीटली मिसिंग है। इनफैक्ट मैंने इसकी डीप टेस्टिंग करी, मैंने इसके अंदर मल्टीपल ट्रेलर देखे मूवीज के, मैंने गाने सुने और मैंने हर बार एक ही चीज फील की है कि बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स है ना ये बिल्कुल खत्म कर देता है उनकी आवाज, इतनी ओवर प्रोसेसिंग होती है इसकी बेस की। तो इस वजह से ना मुझे क्लैरिटी बहुत ज्यादा कम लगी। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिएटिव का जो साउंड बार इतना अच्छा है, खासकर 6,000 रुपए में 160 वॉट सभी दे रहे हैं। और ऊपर से हां मानता हूं कि पोर्टेबल है ये, बट मुझे इतना पसंद नहीं। वैसे वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो नीचे लाइक बटन मिलेगा, कर दो भाई क्लिक। अब बात करते हैं नंबर 5 की, ये ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से साउंड बार है। इसका नाम है ज़ेब्सोनिक बार 100 और मैंने इसको 5,000 रुपए का खरीदा है। और नो डाउट गाइस, इसका जो डिजाइन है ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा है, खासकर इसका जो बीच का डायल है ना ये बड़ा सेटिस्फाइंग है जब इसको रोटेट करते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। और इसके अंदर जो यहाँ पर कट्स मिलते हैं इस साउंड बार के अंदर, वो भी लुक एनहांस कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर हमें RGB लाइट्स भी मिलती है, तो वो आपके सेटअप को और बेटर बनाएगी। बट जब साउंड बार्स की बात आती है तो लुक्स इतने मैटर नहीं करते, सिंपली मैं बोलूंगा डिसेंट प्रोडक्ट है। अगर मैं साउंड की बात करूं ना, तो इसका जो बेस है ना बहुत मडी साउंड करता है, तो उस वजह से ना बीट्स ढंग से सुनाई नहीं देती, तो मजा नहीं आता। ऊपर से जो है 120 वॉट आउटपुट के साथ आता है, लाउडनेस तो इनफ है बट मैं बोलूंगा और बेटर साउंड सिग्नेचर हो सकता है। सिंपल सा आंसर मैं आपको दूंगा, ये नॉट रिकमेंडेड है, इसको भी मत खरीदना। मानता हूं कि दिखने में बहुत अच्छा है बट स्टिल इससे बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो गाइस नंबर 4 पे ये बहुत बड़ी साउंड बार है और ये बोट की तरफ से आती है। इसका नाम है बोट बनते बार 1550 और मैंने इसको 6,500 रुपए खरीदा है और मैं आपको सबवूफर भी दिखाता हूं। इसका डिजाइन ही मेरे को बहुत अच्छा लगा है। बेसिकली सबवूफर का ना फ्रंट में जो एक्स शेप डिजाइन है ना मुझे पसंद आता है। अगर मैं साउंड बार की बात करूं ना, मैंने फील किया कि वैसे ये बहुत लाउड है, 120 वॉट का आउटपुट ही दे देता है। पर्सनली मुझे फील होता है कि इस साउंड बार में ना काफी खिचड़ी सी बन जाती है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं, तो सेपरेशन पे बोट को वर्क करना चाहिए था। यहां पर भी जो है इतना अच्छा इसने लाइक साउंड नहीं करता। देखो ये जो साउंड बार है ना बुरा प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर सारे पोर्ट्स है, ज्यादातर फीचर्स मिलते हैं, बट स्टिल यार साउंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसी के लिए लोग साउंड बार खरीदते हैं। मेरे हिसाब से वहां पर इसने अच्छा वर्क नहीं किया। तो ये थे सारे वर्स्ट प्रोडक्ट। मैं समझता हूं आप लोग को ये जानना है कि भाई कौन सा अच्छा है, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ये एक नई कंपनी का मैंने ऑर्डर करा था, इसका नाम है गोवो। आई एग्री नाम बेटर हो सकता था, बट इसका पूरा नाम है गो सराउंड 900 और इसको ना मैंने 6,000 रुपए खरीदा है। और उस हिसाब से ना इसमें जो लाइट्स वगैरह चलती है, हाँ ठीक है रिस्पेक्टेबल चीज है, बट मुझे इसका डिजाइन और जो यहाँ पर कट्स है ग्रिल के अंदर वो पसंद आए। अगर इस साउंड बार के पोर्ट्स की भी बात करो ना, हमें सारे मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे कि HDMI आर्क, ऑक्स, USB ऑप्टिकल और इन सबके साथ हमें ब्लूटूथ 5 का भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। बट पता है सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है कि ये 200 वॉट के आउटपुट के साथ
बात है, और जब मैंने पहली बार जब खरीदा था ना मैं इसको, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि मैंने गोवो ब्रांड के बारे में नहीं सुना था। बट जब मैंने इसको टेस्ट करा ना, जब मैंने बहुत सारा म्यूजिक सुना और बहुत सारे ट्रेलर्स देखे, तो मुझे फील हुआ कि एक्चुअली में साउंड सही कर रहा है। क्योंकि जब गाने सुनो या फिर ट्रेलर देखो तो यहाँ पर क्लैरिटी भी बहुत अच्छी दे रहा था ये, ऊपर से लाउडनेस भी बहुत सही थी इसकी। बट मेरे को एक चीज फील हुई, मुझे बार बार मोड्स बदलने पड़ रहे थे अगर मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। जैसे कि मूवी मोड है, म्यूजिक मोड है, इन सब में अगर स्विच करते हो तो हाँ आउटपुट में फर्क आता जरूर है। सिंपल सी बात बोलूंगा, नंबर 3 पे मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि मुझे सच में इसका साउंड सिग्नेचर, इसकी लाउडनेस, पूरा ओवरऑल फीचर सच में पसंद आया है। बट मैं सच बता रहा हूँ, गोवो ब्रांड को लेकर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता इसके सर्विस सेंटर्स कितने हैं, बट अगर आपको एक अच्छा साउंड बार चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में, मेरे हिसाब से 100% आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अब नंबर 2 की बात करते हैं, बोट की तरफ से आती है साउंड बार, और ये बहुत ज्यादा सिमिलर है इससे पहले वाली जो मैंने आपको गोवो की दिखाई थी ना, इन दोनों की डिजाइन बहुत ज्यादा सिमिलर है। याद है मैंने आपको रीब्रांडिंग बताई थी स्टार्टिंग में, वो माइंड में रखना, मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा उसको भी। बट इसकी बात करूं तो इसका नाम है बोट अवंते बार ओरायन, और ये पूरी लिस्ट में सबसे महंगा है, 7,000 रुपए का मैंने इसको खरीदा है। और अगर मैं पोर्ट्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पर हमें यूएसबी, ऑक्स, ऑप्टिकल और एचडीएमआई आर्क मिल जाता है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, और इस ब्लूटूथ वर्जन की वजह से ना मैंने नोटिस करा कि लेटेंसी बड़ी कम थी। मैंने इसको फोन के साथ कनेक्ट कर रखा था, जैसे मैं प्ले और पॉज पे क्लिक कर रहा था काफी फास्ट ये परफॉर्म कर जाता है। और अगर साउंड की बात करो ना, तो इसका पीक आउटपुट जो है 160 वाट तक चली जाती है। बट ना उससे पहले मैं एक चीज आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, मैंने एचडीएमआई से इसको कनेक्ट कर रखा था और वहां पर ना फुल इसकी लाउडनेस नहीं आ रही थी, जबकि ब्लूटूथ पे ये बहुत ज्यादा लाउडनेस ली आता है। बट मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि इसका साउंड सिग्नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका बेस बिल्कुल ऑन पॉइंट है, एग्जैक्टली जो बीट्स होती है या फिर जहां पर बेस रिक्वायर्ड होता है वहीं पे आता है, और क्लैरिटी भी बिल्कुल अमेजिंग देखने में मिलती है। बस मुझे एक ही डाउट है कि एचडीएमआई पे लाउडनेस फुल क्यों नहीं आ रही है, बट वैसे ऑक्स और ब्लूटूथ पे तो बहुत सही चल रही है। बट स्टिल सिंपली मैं बोलूंगा कि आप इसको 100% चेकआउट करना, क्योंकि ना ये जो साउंड बार होता है इनका प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है कि आपको ये जो साउंड बार है बिल्कुल राइट प्राइस पे मिल रही हो, तब आप इसको 100% खरीद लेना। ये लो भाई, अब मोटोरोला भी साउंड बार बनाने लगा है। Yes guys, और ये नंबर 1 भी है। सीरियसली मोटरोला भी साउंड बार बना रहा है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और इसका नाम है मोटरोला एम्फी साउंड एक्स, और मैंने इसको 6,000 रुपए खरीदा है, और उस हिसाब से ना ये फीचर्स और साउंड एक्चुअली में बढ़िया लेकर आ रहा है। और पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर सारे नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि यूएसबी, एचडीएमआई आर्क, ऑप्टिकल, ऑक्स, और ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है इसमें। बट सबसे इंपॉर्टेंट साउंड की बात करूं तो टोटल ये 160 वॉट का आउटपुट दे रहा है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अमेजिंग साउंड कर रहा है। लाइक इतना अच्छा साउंड कर रहा था कि जैसे कि एक मिनी होम थिएटर मैंने लगाया हो। मेरी टेस्टिंग, मुझे सबसे अच्छी बात ये फील हुई इसके बारे में कि ये वोकल्स बड़ी सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है, काफी क्लियर रहते हैं, और जो सेपरेशन होती है ना जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर, वो भी ठीक से कर पा रहा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बेस है ना वो हार्ड हिटिंग है, मतलब वाइब्रेशन बॉडी में फील होती है। तो यार ऑब्वियसली आप पे करोगे तो आपको ये साउंड तो बेस्ट होना ही चाहिए, वो ये डिलीवर कर पा रहा है। स्पेसिफिकली बताऊं तो जब मैं इसमें मूवीज देख रहा था, जब भी कोई एक्शन सीन आ रहा था वहां पर वो इमर्सिवनेस फील होती है बेस की वजह से, इसलिए मैं थोड़ा सा बेस पे भी इंपॉर्टेंस रख रहा हूं। नो डाउट आप इसको खरीद सकते हो अगर आपको मोटरोला ब्रांड पसंद है, नहीं तो मैंने आपको सेकंड ऑप्शन बोट का भी दिया हुआ है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अब रीब्रांडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपने आगे सारे रिमोट रख लिए इन साउंड बार के, मैंने जितने भी खरीदे, आप देखो गाइस, क्रिएटिव, ब्लोपंक और मोटरोला को छोड़ के बोट, ज़ेब्रोनिक्स, गोवो और ये एक और बोट का रिमोट है, सारे एग्जैक्टली सेम है। बस एक दो यहां पर वर्ड का डिफरेंस है हर एक रिमोट के अंदर, तो यहां से क्लियरली पता लगता है कि चाइना की मार्केट में जाते हैं और वहां से जो भी चीज मिलती है वो लाइक रीब्रांड करके मार्केट में, इंडियन मार्केट में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पॉइंट ये है कि ये रियलिटी है, बस मैं चाह रहा था कि आई विश यूनिकनेस हो मार्केट के अंदर, तो वो ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है। बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि वर्स्ट से बेस्ट साउंड बार इंडियन मार्केट में इस यहां पर 5,000 से 7,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में कौन सी है। आई होप आपकी किसी वे मैंने हेल्प करी हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रार्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।